भाई साहब जो इसका स्वाद है ना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कचौड़ी सब्जी किसको पसंद नहीं है, वैसे ही आज मैं आया हूँ कचौड़ी सब्जी का मज़ा लेने। मैं अभी खड़ा हूँ पटना सिटी घोरटा मोड़ पे A to Z स्टोर के जस्ट सामने। यहाँ का कचौड़ी के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये ऐसा वैसा दुकान नहीं है, ये 100 से अधिक साल पुराना दुकान है। यहाँ का फेमस है कचौड़ी और चने की सब्जी यानी घुगनी। और ये है बाबा। बाबा नमस्कार। कितने साल पुराना का पुराना दुकान है ये? 110 साल हो गए इस दुकान को। और क्या खास है आपके कचौड़ी और घुगनी में जो लोग इतना खींचे चले आते हैं, बताइए हमें। तीसी का तेल फेमस है। तीसी के तेल में आप बनाते हैं ये? प्योर तीसी तेल बनता है। तीसी के तेल में आप लोग इसको तलते हैं और इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाते हैं मसाला मिर्चा को भून कर मिला के। अच्छा, और ये आप दे रहे हैं, ये 4 पीस कैसे देते हैं? 4 पीस 16 रुपया। 16 रुपये और चने की सब्जी देते हैं और ऊपर से प्याज देते हैं। मिर्चा एक सिंगल का दाल। और ये एक मिनट, ये जो आपने डाला अभी चने का दाल, ये मैं अभी तक कहीं नहीं देखा हूँ कि किसी पे पड़ता है ऊपर से। इसका कुछ खास? इसीलिए फेमस ही है, इसीलिए इसको खाने में मज़ा आता है क्या ऊपर से? चलिए, और यहाँ पे आप भीड़ तो देख ही सकते हैं। आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि भीड़ कितना लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कचौड़ी तैयार हो रहा है, यहाँ पे बाबा बना रहे हैं। छोटा छोटा कचौड़ी रहता है इनका। और उसमें क्या भरते हैं? आलू है ये, आलू भरते हैं। और वहाँ पे ये स्टॉक रखे हुए हैं। और ये किस चीज़ का रहता है? मैदा का कचौड़ी, यानी मैदा को ऐसा छोटा सा बनाते हैं और हाँ, और फिर तीसी के तेल में तलते हैं। और यहाँ पे एक भैया कचौड़ी का मज़ा ले रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा है। फर्स्ट बार आप आ रहे हैं तो ये जो टेस्ट है उसको आप एक्सप्लेन करें, कैसा लग रहा है? खा कर देख लें, आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट बार हैं। और ये ऊपर से ये जो डाले हैं उसको, उसके बारे में क्या, आप कभी खाए हैं ऐसा? फर्स्ट बार है। तो बस अभी मैं खाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसा है। और ये हो रहा है मेरा तैयार और ये आ गया। 110 साल पुराना है, तो 110 साल पुराना है तो पत्ते में दे रहे हैं, प्लेट सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा छोटा कचौड़ी देते हैं ये, लेकिन भीड़ देख के लग नहीं रहा है कि इसका स्वाद। रुकिए, पहले टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी गर्म है और पत्ते पे देते हैं ये लोग, तो हाथ जल रहा है, तो बच के खाना है और क्या। ये जो चना, ये जो दाल है ना, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में। तो बस टेस्ट करते हैं ना, क्यों रुका हुआ हूँ मैं। भाई बहुत लिट्टी खाए होंगे आप लोग, बहुत कचौड़ी खाए होंगे आप लोग, लिट्टी नहीं है ये, बहुत कचौड़ी खाए होंगे आप लोग, लेकिन 110 साल पुराना है ये, तो कुछ तो अलग बात होगा। तो वो मैं जब ये इसका बाइट ले रहा हूँ और चना का दाल भी जो डाले हैं उसका मज़ा पहली बार ले रहा हूँ, बताता हूँ कैसा लगेगा। भाई साहब जो इसका स्वाद है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो पटना सिटी में मिलेगा और भोला जी के दुकान ही पे मिलेगा, जो कि वाकई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और इसकी सब्ज़ी में जो मसाला है ना, वो काफ़ी तड़कदार है, अब क्या बोलूँ, अब खाता हूँ, बहुत मज़ा आ गया खाने में। चार रुपए की कचौड़ी और सब्ज़ी वाकई सस्ती है और लाजवाब है। भोला जी का कचौड़ी और सब्ज़ी लाजवाब है। मैं एक और बार जगह बता रहा हूँ, पटना सिटी घोरटा मोड़ A to Z स्टोर के सामने ये मिलेगा, 110 साल पुराना दुकान। ये दुकान को नाम की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, बस भोला जी फेमस है अपने कचौड़ी के लिए। 4 रुपये में अब कहाँ मिलता है कचौड़ी और सब्ज़ी, तो बस
अब आप लोग आएँ और इसका मज़ा लें। मैंने तो ले लिया, जो कि वाकई में बहुत पुराना था, तो वो पुराना वाला टेस्ट आया वाकई में। तीसी के तेल में बनाते और जो ऊपर से चने का दाल स्प्रेड किए ना, मज़ा आ गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टा आईडी फूड बुखारा को फॉलो करना ना भूलें।